हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस देख रहे थे, आइए हम लोग देखते हैं आगे। कहता है अ सर्टेन अमाउंट इन्वेस्टेड एट द रेट एक्स परसेंट पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 इयर्स। इफ इट वर इन्वेस्टेड एट द रेट एक्स प्लस 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, इट वुड फेच रुपीज 9200 मोर एज इंटरेस्ट। व्हाट वाज द प्रिंसिपल? तो इनिशियली क्या था कि x परसेंट पर एनम के हिसाब से 5 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गया, लेकिन उसमें क्या किया गया, 5% का इंटरेस्ट और बढ़ा दिया जाता है, x प्लस 5 कर दिया जाता है। तो जो सिंपल इंटरेस्ट आता है 5 ईयर के बाद वो 9200 ज़्यादा होता है x परसेंट पर एनम के कंपेरिजन से, ठीक है। तो हमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। हमने मान लिया कि प्रिंसिपल अमाउंट पी है, तो आप ये देखो कि x प्लस 5% जब हम रेट को बढ़ा करके कर रहे हैं तो 5 सालों में कितना परसेंट रेट एक्स्ट्रा बनेगा। तो ये 5%, ये जो एक्स्ट्रा 1 साल में रेट बढ़ गया है, इसके कारण ही तो ये 5 साल में कितना बनेगा। तो आप कहोगे कि 5 साल में ये 25% ज़्यादा बन जाएगा रेट। ये 25% ज़्यादा जो रेट है, इसी के कारण तो आपका ये 9200 रुपया ज़्यादा आ रहा है 5 इयर्स के बाद। तो हम ये कह सकते हैं कि व्हेन पी इज इन्वेस्टेड एट रेट एक्स प्लस 5% पर एनम, इट वुड फेच 5% मोर इंटरेस्ट, ठीक है, कंपेयर टू रेट एक्स परसेंट पर एनम। तो 5 साल में कितना रेट ज़्यादा हो गया, 25% ज़्यादा हो गया, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, यानी कि ये 25% ज़्यादा हो गया, ठीक है। कंपेयर टू कितना इसका, अगर सिंपल x परसेंट का रेट होता तो 5 साल में 5x% रेट होता। तो ये 25% ज़्यादा जो अमाउंट है रेट का, इसके कारण एक्स्ट्रा रुपीज़ आ रहे हैं 9200। तो हम कह सकते हैं कि ये जो प्रिंसिपल का जो 25% होगा वही 9200 के बराबर होगा। तो ये 25% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/4। तो p इंटू 1/4 इज इक्वल टू 9200। पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9200 मल्टीप्लाइड बाई 4, ये आ जाएगा 36800। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ये SSC का पूछा हुआ क्वेश्चन है, CAPF एग्जाम का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी से मिलता जुलता। कहता है अ सर्टेन सम इज इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट एक्स परसेंट पर एनम फॉर 3.5 इयर्स। हैड इट बीन इन्वेस्टेड एट एक्स प्लस 4% पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट, इट वुड हैव फेस्ड रुपीज 4452 मोर एज इन इंटरेस्ट। फाइंड द सम। यहाँ भी वही बात है, x परसेंट पर एनम के हिसाब से 3.5 साल के लिए दिया गया, इन्वेस्ट किया गया, और अगर क्या किया जाए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट x की जगह x प्लस 4 कर दिया जाए पर एनम, तो 4452 रुपीज 3.5 साल बाद ज़्यादा मिलते हैं। तो कहता है कि सम फाइंड आउट कीजिए, यानी प्रिंसिपल फाइंड आउट कीजिए। तो हमने यहाँ मान लिया प्रिंसिपल पी है। अब आप देखो तो x प्लस 4% क्या है, रेट बढ़ा करके कर दिया गया, यानी 4% रेट एक्स्ट्रा बढ़ा दिया गया। तो 3.5 साल में कितना रेट एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, 4 प्लस 4 प्लस 4, और हाफ ईयर के लिए, फुल ईयर के लिए है रेट 4%, तो हाफ ईयर के लिए रेट क्या हो जाएगा, 2% हो जाएगा। यानी टोटल रेट एक्स्ट्रा कितने हो गए, 4, 4, 8, 4, 12 और 2, 14 हो गए। तो 14% मोर इंटरेस्ट फेच करेगा, कैसे। तो अगर सिंपल इंटरेस्ट एक्स परसेंट का होता तो कितना बनता, 3x + x/2 बनता, 7x/2 बनता, और 4% मोर रेट बढ़ाया गया है तो इस इंटरेस्ट टोटल कितना बनता, 7x/2 + 14%। तो ये जो 14% एक्स्ट्रा जो रेट है सिंपल इंटरेस्ट का, उसको वो क्या है, उसी कारण 4452 रुपीज़ एक्स्ट्रा आ रहे हैं, यानी प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाई 14% इज इक्वल टू 4452। इसे क्या है, प्रिंसिपल निकालने, प्रिंसिपल इंटू 14/100 इज इक्वल टू 4452, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 4452 इंटू 100/14, ये 14 से कैंसिल आउट हो जाएगा,
14 से आप कैंसिल आउट करेंगे तो 318 आएगा, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 31800 रुपीज आएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस प्रकार से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को करते हैं। आप हमारे चैनल डाको मैथ्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।